देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजवानी। इस वक्त हम मौजूद हैं भगवान राम की नगरी अयोध्या में और साथ ही साथ हमारे पीछे है राम की पैड़ी। राम की पैड़ी ये वो स्थान है जिसको लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि भगवान राम जब स्नान करने के लिए सरयू तट पर जाते थे, सरयू नदी पर जाते थे, तो इसी रास्ते से होते हुए वो सरयू तट पर जाते थे और अब वो अयोध्या सज धज कर तैयार हो चुकी है। दशकों का लंबा इंतजार, बरसों का लंबा इंतजार अब खत्म हो रहा है क्योंकि 22 ये वो तारीख होगी जब भगवान राम पूरे गाजे बाजे के साथ, साथ सज्जा के साथ अपने घर पर विराजमान होंगे और ये वो तारीख होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े अतिथियों के साथ इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और पूरे देशवासियों को भगवान राम का वो मंदिर सौंप देंगे जिसके बाद हमेशा हमेशा के लिए भगवान राम के कपाट खुल जाएंगे। ऐसे में अब ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जो अयोध्या के साधु संत है वो क्या सोचते हैं, उनकी इस मामले पर प्रतिक्रिया क्या है और जिस तरीके से लगातार राम मंदिर के मुद्दे पर सियासत हो रही है, क्या वाकई उस सियासत की अभी हमें जरूरत है? तो लगातार हम इस वक्त लोगों के बीच मौजूद हैं, हमारे साथ साधु संत जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपना परिचय दें और साथ ही साथ बताइए कि कैसा महसूस हो रहा है अब जब राम मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। मैं राकेश दास हनुमानगढ़ी अयोध्या से हूं और बड़े हर्ष की बात है कि आज पूरे देश की राजनीति हिंदुत्व पर केंद्रित हो गई है, राम का राज्याभिषेक हो रहा है, मूर्ति की स्थापना हो रही है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यदि हिंदुत्व, सब लोग हिंदुत्व के प्रति या हिंदुत्व की राजनीति में आना है, आ गए हैं, तो मेरा तीन प्रश्न है, तीन सवाल, ये सभी राजनीतिक इस पर ध्यान दें और उसको क्रियान्वित करें। पहली बात कि अभी भी भारत धर्म निरपेक्ष है, उसको धर्म सापेक्ष देश घोषित किया जाए। दूसरी बात, जो भी राम विरोधी हो, राम के विरोध में बोलेगा, उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। और तीसरी बात, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करे। ये सभी दल यदि हिंदुत्व प्रेमी हैं तो इन कामों को पहले करें। एक बात और कहना है कि यह धार्मिक मुद्दा है, राम किसी विवाद में नहीं, राम कणकण में विराजमान है या किसी राजनीति में से प्रेरित नहीं है, या मैं किसी दल से संबंधित नहीं हूँ। यह कार्य धर्म गुरुओं को करना चाहिए, शंकराचार्य को करना चाहिए, किसी सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार का काम मंदिर बनवाना, मस्जिद बनवाना और चर्च बनवाना नहीं है, बाकी बहस करना है तो तमाम मुद्दे हैं। जैसे एक मुद्दा है कि ये भ्रष्टाचार, दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी, तीसरा मुद्दा है ये जो विधायक या नेता हैं, इनकर फुजूल खर्ची क्यों हो रही है? आज इस देश का सारा धन ये नेताओं पर खर्च किया जा रहा है, तो इन एक बार विधायक होता है तो वह उसकी चार पुश्त बैठ के खाती है, आखिर वो धन कहाँ से आता है? यदि राजनीति सेवा है तो उनको वेतन क्यों दिया जाता है, उनको पेंशन क्यों दिया जाता है, इस पर प्रधानमंत्री जी को विचार करना चाहिए और ये राजनेताओं को पेंशन स्वयं आकर के कहना चाहिए कि मैं पेंशन नहीं लूंगा। ठीक है, बिल्कुल। अगर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर राजनीति सेवा है तो आखिर वेतन क्यों लिया जाता है, प्रधानमंत्री को विचार करना चाहिए। साथ ही आपने बहुत बखूबी कहा कि भगवान राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, कितना सहमत है आप? जी बिल्कुल, भगवान हमारे राष्ट्र के हैं, ना कि एक लोगों के हैं। भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीति करने से धर्म का निरपेक्ष हो जाएगा, फिर भगवान किसी सत्ता के है नहीं, क्योंकि भगवान सबके हैं, भगवान सबके हैं, हम सब भगवान के हैं। सो भगवान का, हमारा सबका नियम धर्म यही है कि भगवान ने जो कार्य किया, भगवान ने जैसा जीवन जिया है, हम लोगों को यही पढ़ाया सिखाया जाता गुरुकुल में कि भगवान श्री राम के उद्देश्य पर चलो। और हमारे भारत, हमारे सनातन का तो नियम ये वसुधैव कुटुंबकम, सबको जोड़कर चलते, सनातन सबको जोड़कर चलते है, तो भगवान के नाम पर कोई सवाल ही नहीं होता कि भगवान के नाम पर राजनीति की जाए, भगवान के राम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो विपक्षी दल है वो लगातार ये कहते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, सहमत है? हाँ, ये तो है, लगता तो हमेशा से करती आ रही है, हमेशा से विपक्ष जो है भगवान के नाम पर करती आ रही है।
अभी उनको देखिए निमंत्रण कार्ड जब मिला था तो बीच में भगवान का विरोध करने लगे, कह रहे हैं भगवान है ही नहीं यहाँ पर। कुछ लोगों ने कहा कि राम मंदिर की जगह कॉलेज बना दिया जाए, इससे क्या होगा, जबकि राम मंदिर भक्तों के पैसों से बना है, भक्तों ने दान किया उसके पैसे से बना है, ना कि मोदी सरकार ने पैसा दिया है। राम मंदिर का जो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है वह राम भक्तों के पैसे से बना है, और जो संतों ने बलिदान दिया है उसका प्रभाव है कि आज मंदिर हमारे सबके बीच में बनकर के तैयार है। बिल्कुल महंत विष्णुदास जी, जब राम मंदिर के आगमन को लेकर सियासत होती है, क्या वाकई सियासत की जरूरत है? नहीं, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। 500 वर्षों के बाद भगवान टेन में थे, आज सिंहासन पे विराजमान हो रहे हैं, मगर कुछ ऐसे राम विरोधी हैं, उनको मैं बहुरुपया भी कह रहा हूँ कि जब राम मंदिर बन रहा है तो दिक्कत परेशानियां क्यों हो रहा है, अनेक प्रकार के सवाल क्यों बोल रहे हो आप, उल्टा सीधा कौन बोल क्यों बोल रहे हो, राम तो सबके हैं, क्योंकि हरि व्यापक सर्व समाना प्रेम ते हो प्रगट में जाना, राम जी तो व्यापक है सबके हैं, यहाँ बीजेपी राजनीति नहीं कर रही है, राम का सहारा तो सब लेते हैं, दुनिया न चले श्री राम के बिना, राम जी न चले हनुमान के बिना, तो दुनिया तो राम जी के बिना चल ही नहीं सकती है, तो वो जो विपक्षी है, जो राम विरोधी है, जो बहुरुपिया है, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि 500 वर्षों के बाद अब भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है, निमंत्रण को लेकर के ठुकरा रहे हो, साधु संतों को लेकर के उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहे हो, यह मानसिकता ठीक नहीं है, आप आइए प्रभु के चरणों में आइए, रामलला का दर्शन कीजिए और सद्बुद्धि हो जाए, जो इस प्रकार बयानबाजी नहीं चाहिए करना। अगर हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना हो तो राम मंदिर से देख लीजिए हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। दूसरी बात, अभी 22 जनवरी निरपेक्ष देश है, फिर सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाना क्यों चाहते हैं आप भारत को? हिंदू राष्ट्र तो है ही, वह हिंदू राष्ट्र केवल घोषित होना है। सुन लीजिए, अभी 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा हो जाने दीजिए, उसके बाद हमारे आराध भोलेनाथ भी हैं और हमारे आराध कृष्ण भी हैं, और मथुरा में भी जा करके हम प्रार्थना करेंगे, जो हमारा है कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है, जहां जहां हमारी संस्कृति सनातन धर्म से मेरे परमात्मा से जहां जहां चिन्ह है वहां मैं लेकर के रहूंगा, कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल, आचार्य देव मुरारी बापू जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अयोध्या अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। राम से शुरू होता है हमारा सनातन धर्म और हमारी इज्जत। वो राम जो त्रेता युग में जन्मे और आज कलयुग में भगवान श्री राम जी के जन्म स्थली पर भगवान श्री राम लला को विराजमान किया जा रहा है। किसी भी कार्य में दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। यहाँ पर भी हमने अयोध्या में श्री राम मंदिर का आज जो उत्सव देखने को मिल रहा है, तो हम त्रेता युग की तरफ जाएं तो जही दिन राम जन्म श्रुति गावे तीरथ सकल तहां चले आवे, जहां राम जी का जन्म त्रेता युग में हुआ सारे देवता अयोध्या में आ गए। तो आज अयोध्या का जो माहौल है वो ठीक इसी तरह है, जब राम जी को प्राण प्रतिष्ठित किया जा रहा है, उनके मंदिर में विराजमान किया जा रहा है, तो आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, किसी संप्रदाय का, किसी धर्म का, किसी जाति का व्यक्ति नहीं जिसको मन में उत्साह ना हो। सभी लोग आज अयोध्या की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। माहौल ऐसा बन चुका है कि अब लोगों को मना करना पड़ रहा है कि आप अयोध्या ना आए, कृपया अयोध्या ना आए, क्योंकि अयोध्या में लोगों को बिठाना, खिलाना, पिलाना, रुकना, ये सब संभव नहीं हो पाएगा। तो राम जी से लोगों को इतना प्रेम है, अब हम दूसरा पहलू देखें। लेकिन लोगों को प्रेम है तब भी स्वामी प्रसाद मौर्य तो सनातन रामचरित मानस को लेकर टिप्पणी करते हैं, आप कह रहे हैं लोगों को प्रेम है, ये कैसा प्रेम हुआ? अरे प्रेम का मतलब ये थोड़े होता है कि किसी राक्षस को हम इंसान कह दें, वो तो राक्षस है, उसका शुरुआत से लेके अब तक का इतिहास देख लो। जैसे उल्लू होता है ना, सब लोगों को, आपको, हमको दिन और सूरज प्रिय होता है लेकिन उल्लू को बुरा लगता है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य आज हिंदू समाज में सनातन में एक उल्लू है, उसको कोई भी कार्य अच्छा नहीं लगता। जिस रामचरित मानस से आज व्यक्ति जीविका चला रहे हैं, रोजी रोटी और सम्मान पा रहे हैं, वो स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरित मानस को जलाने का काम करता है, उसका प्रति
प्रतिबंध लगाने का काम करता है, कुछ तो ऐसे भी नास्तिक है जो भगवत गीता को प्रतिबंध लगाने का काम करते हैं और जलाने का काम करते हैं, वो इंसान नहीं, वो हिंदू नहीं, वो नास्तिक और राक्षस है। तो ऐसे जो समाज में हमेशा आप सतयुग देख लीजिए, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, आप सतयुग देख लीजिए और त्रेता युग देख लीजिए, रावण और कुंभकर्ण जैसे लोग, आप द्वापर देख लीजिए, कंस जैसे लोग, आप कलयुग में आप ज्यादा लोगों की तरफ मत जाइए, आप स्वामी प्रसाद मौर्य और आज के कंस ओम प्रकाश राज और आज के कंस हैं, और ऐसे कंस रावण आतताइयों का क्या किया जाता है पहले और आज भी, उनका वही हाल होना चाहिए। क्योंकि हम जब खेत में अन्न बोते हैं तो एक खरपतवार निकल जाता है, तो हम अन्न को तो उपजाते हैं, खरपतवार को उखाड़ के नष्ट कर दिया जाता है। आज सनातन लोगों को अपने धर्म को आगे बढ़ाना है तो ऐसे नास्तिक लोगों को जड़ से समूल नष्ट करना पड़ेगा। हमारा ये निवेदन है और मैं ये कहना चाहता हूँ, अयोध्या में जो आज झांकी दिख रही है, हम केवल इतने तक रुकने वाले नहीं, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी वहां की है, इसका मैं एक प्रमाण दे रहा हूँ। अयोध्या में आज जो सब देखने को मिल रहा है, हम 2020 से मथुरा की तैयारी कर चुके हैं, यहाँ जब 2020 में श्री रामलला की जन्मभूमि पर नरेंद्र मोदी जी भूमि पूजन कर रहे थे, ठीक उसी समय हमने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास का गठन किया और 25 प्रदेश के संत महामंडलेश्वरों को, हजारों महामंडलेश्वरों को जोड़कर मथुरा की तैयारी की, उसकी नींव डाल दी है, लड़ाई जारी है। 25 प्रदेश के संत महामंडलेश्वर और 25 हिंदुवादी संगठन हमारे ट्रस्ट को लिखित समर्थन दिए हैं कि कृष्ण जन्मभूमि का जब भी कोई कार्य होगा और वहां पर भी जो अवैध शहीद गाय है उसके लिए जो भी कार्रवाई की जाएगी हम आपके साथ हैं। तो अब अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है। हमने जब वो ट्रस्ट बनाया तो चंपत राय जी से हमने बात की कि अयोध्या में तो राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है, हमने मथुरा की तैयारी कर दी, तो अब आप तैयार रहिए, 24 के बाद हम मथुरा ही पहुंचेंगे। तो मथुरा की तैयारी है, अयोध्या में हम लोग अब आए हैं, तो राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद सरयू जी में खड़े होकर एक संकल्प लेंगे, अयोध्या के बाद मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। तो संकल्प लेंगे, क्या इस संकल्प में आप इनके साथ हैं? पूज्य महाराज श्री ने बड़ी सुंदर बात कही और ये संकल्प बहुत जल्दी पूरा भी होने वाला है। जैसे राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का भी बहुत सुंदर, बहुत दिव्य, बहुत भव्य मंदिर अतिशीघ्र बहुत जल्द बनने वाला है। और हमारी सरकार देखिए, पहले भी राम भक्त हम लोग कितना भी धन लगावे लेकिन धन से ही मंदिर बना ले ऐसा नहीं हो सकता था, लेकिन ये मोदी सरकार जी की देन है, हमारी सरकार हमारे पक्ष में थी। और देखिए, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, राम जी के लिए समर्पित हुई सरकार। और देखिए, हम लोगों ने धन दिया, वो धन तो क्या महाराज, पहले के लोगों ने तो जान भी दे दिया राम जी के लिए, और फिर वही मुलायम सरकार ने गोलियां दगवा दी, बोले राम भक्तों को भी न्यौछावर कर दिया राम जी के श्री चरणों में। सो महाराज, आपको, आप सबको, जो भी दर्शक हैं, हम सभी को बताना चाहेंगे कि इस निमंत्रण कार्ड पर भी राजनीति हो रही है। राम जी के मंदिर पर तो राजनीति काफी दिनों से हो रही थी, लेकिन निमंत्रण कार्ड पर राजनीति किस बात की हो रही? बोले मुझे निमंत्रण नहीं मिला, आया था, मैं उस व्यक्ति को जानता नहीं था, फिर वो किसी और चीज का कार्ड था, मैंने बाद में खोला तो देखा वो निमंत्रण का कार्ड नहीं था। ये सब राजनीति हो रही है। अब लोग बदल रहे हैं, लोग देख रहे हैं मेरे बगैर कोई काम यहाँ पर, अगर हम राजनीति करें या कुछ भी करें, राम भक्त जो है वो जाग उठा है और राम भक्त पूरी तरीके से राम मंदिर के दर्शन के लिए तैयार है। इसके बाद तो, कृष्ण भगवान कृष्ण का भी दर्शन होगा क्या जल्दी? बिल्कुल बिल्कुल होगा, पहले ये बात पूरी हो जाए तो राम भक्त जो विरोधी लोग है वो लोग अब आ रहे हैं राम की भक्ति में। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि वो आएंगे तो राम भक्ति के रूप में, लेकिन वो कालनेमी बन करके आएंगे, बोले कार्ड दिखा करके वो अयोध्या में दर्शन करने जरूर आएंगे, लेकिन कालनेमी बन करके आएंगे। विरोधी लोग, उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। मोदी सरकार की बहुत बड़ी देन है, हम यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। एक सुंदर सा भाव है जी, बिल्कुल। पासा पलट गया है देखो आज अयोध्या धाम का,
मोदी जी के राज में बन गया देखो मंदिर राम का, पासा पलट गया है देखो आज अयोध्या धाम का। मोदी जी के राज में बन गया देखो मंदिर राम का। भारत देश में नहीं ही दिवाली, मिलकर सभी मनाएंगे, हर एक घर में खुशियों के सब मिलकर दीप जलाएंगे, झंडा राम का लहराएंगे, जयकारा भगवान का। मोदी जी के राज में देखो मंदिर बन गया राम का, मोदी जी के राज में देखो मंदिर बन गया राम का। बोलिए अयोध्या रामलला सरकार की। तो देखिए साफ तौर पर जो श्रेय है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को दिया जा रहा है, लेकिन वही विपक्षी दल ये भी कहते हैं कि ये किस बात का श्रेय ले रही है बीजेपी, क्योंकि ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर बन रहा है, तो फिर ये श्रेय लेने की होड़ क्यों? मैं गुजरात से आई हूँ जी, और अयोध्या आके मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे आज दिवाली हो सब जगह ऐसा लगता है। और नरेंद्र मोदी साहब ने जो 550 वर्ष से कोई नहीं कर सका और नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। बिल्कुल, नामुमकिन को मुमकिन कर दिया, वाकई सहमत है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आखिर इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो फिर श्रेय बीजेपी को क्यों दिया जा रहा है? देखिए अभी हमारे पूज्य संतों ने बहुत कुछ बता दिया है, थोड़ा सा बताना बाकी है जी। चाहे सत्ता हो, शासन हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, कानून हो, संविधान हो, अनुच्छेद हो, अनुकरण हो, हर जगह पर राजनीति हो रही है महाराज। और एक बात कहना चाहता हूँ, जो राम पर राजनीति करेगा, जो कृष्ण पर राजनीति करेगा, जो हिंदुओं की आस्था पर राजनीति करेगा, उसके दिमाग में जानते हैं कौन सी बातें चल रही हैं? उनके दिमाग में, विपक्ष के दिमाग में एक विचारधारा पल रही है। कौन सी विचारधारा पल रही है? उमर शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह, महमूद गजनबी और मोहम्मद बिन तुगलक की विचारधारा को पालने वाले आपको लगता है कि राम की विचारधारा से संतुष्ट होंगे? एक बात बताइए, आज जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में राम मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ, वो चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आप हो, जनता दल हो, महाराज कार सेवकों पर धड़ाधड़ गोलियां चलवाने वाले कौन थे? कांवड़ यात्रा में डीजे बैन करवाने वाले कौन थे? और राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले कौन थे? जो सनातन धर्म के संस्कृति के उत्थान पर सवाल उठाएगा, जो राम पर सवाल उठाएगा, महाराज उसका नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा। बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपस में चुनौती खड़ी है क्या, क्योंकि राम मंदिर की नौते पर भी नहीं आ रहा है तो विपक्षी दल? अरे क्या बात कर रहे हैं, पहले एक नारा लगाया जा रहा था, जैसे नारा तो 1984 में लगा था, रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन विपक्ष वाले छाती कूट रहे थे, तारीख नहीं बताएंगे। तो सुनो, रामलला हम आए हैं, मंदिर वही बनाए हैं, तारीख भी बताए हैं, नौता भी भिजवाए हैं, लेकिन विपक्ष वालों की हिम्मत नहीं पड़ रही, वो अयोध्या नहीं आए, नहीं आए हैं। कारण क्या है मैं आपको बता दूं, जिनके मन में ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष, विकार, छल, प्रपंच, प्रमाद भरा पड़ा होगा, वो अखिल ब्रह्मांड नायक की इस मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जिनको मस्जिदों में जाने से फुर्सत होगी, जिनको मजारों पर मत्था टेकने से फुर्सत होगी, जिनको कब्रिस्तान की बाउंड्री करवाने से फुर्सत होगी, महाराज अयोध्या दर्शन जो है भाग्य से नहीं सौभाग्य से प्राप्त होता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भगवान राम सबके हैं, हम प्राण प्रतिष्ठा के बाद आ जाएंगे, तो उस पर हम पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? सवाल उठाया जाएगा महाराज, सत्ता में बैठे सत्ताधीश, ये 500 वर्षों का जो संघर्ष चला, ये हिंदू शांत था, लेकिन जब हिंदू संवैधानिक रूप से अपने ओट रूपी चोट का इनके सीने पर प्रहार किया, महाराज सत्ता भी गई, अस्तित्व भी जा रहा है। और एक बात जान लीजिए, जो बता रहे हैं भाई इसके बाद आएंगे, एक बात मुझे बताइए, क्या इससे पहले अयोध्या नहीं थी, या इससे पहले राम जन्मभूमि नहीं थी, इससे पहले जज नहीं थे, इससे पहले जजमेंट नहीं थे, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं था? नहीं था, तब काहे नहीं आए? ये आज जो छाती कूट रहे हैं ना, और जिनको लग रहा है, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि कार सेवकों पर गोलियां चलवाने वाले कार सेवकों का बलिदान जो गया, हिंदुत्व पुरोधाओं का जो बलिदान गया, वो तस्वीर आज आपको दिख रही है महाराज। तो ये हमारा नतीजा था, थोड़ा शांत थे, लेकिन अब शांत नहीं रहेंगे, क्योंकि भगवान राम है,
मर्यादा में रखना सिखाते हैं, लेकिन तब तक जब तक अत्याचारी अनाचारी दुराचारी पापाचारी लोकाचारी व्याभिचारी ज्यादा ना बढ़े, और अगर बढ़ेंगे तो इनका नाश करने के लिए हम जैसे सनातनी भगवा वस्त्र पहनकर तैयार बैठे हैं। बिल्कुल, यानी सभी सनातनी भगवा वस्त्र पहन के बिल्कुल तरीके से तैयार बैठे हैं। सभी ये जिक्र कर रहे हैं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, और कितना संघर्ष करेंगे काशी मथुरा के लिए। संघर्ष का तो कोई वही नहीं बनता, सवाल ही नहीं उठता संघर्ष का, क्योंकि राम जी आ गए हैं तो जाहिर सी बात है कृष्ण जी जरूर आएंगे। और अभी तो जैसे हम लोग अभी राम भगवान के यहाँ भव्य रामोत्सव राष्ट्रोत्सव मना रहे हैं, इसके बाद आगामी हम लोग तो अभी काशी चलेंगे, मथुरा चलेंगे, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और जितने जितने जो पूर्व में जो हमारे मंदिर थे जिनको धर्मों द्वारा तोड़ा गया है, वो सारे मंदिर लेंगे, डंके की चोट पर लेंगे, इसमें कोई सवाल उठाने का वही नहीं है। संवैधानिक सिद्धांत है, अगर शास्त्र से समझोगे शास्त्र से समझाएंगे, शस्त्र से समझोगे शस्त्र से समझाएंगे, और नीति भी हम ही तय करेंगे। महाराज हमने तीन मांगा था, हमने कहा था काशी दे दो, मथुरा दे दो, अयोध्या दे दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ गया हिंदुओं को, तो महाराज 30,000 मंदिर लेंगे, 4,000 मठ लेंगे, और जहां जहां हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ करके इनके मजहब स्थान बनाए गए हैं वो सब लेंगे। महाराज अयोध्या तो सिर्फ एक झांकी है, काशी मथुरा भी बाकी है। महाराज जी ने भी बताया, हमारे पूज्य संतों ने भी बताया था, बिल्कुल संतों ने बताया कि सिर्फ हमने तीन स्थान मांगे थे, अगर वो तीन स्थान मिल जाते तो आखिर बुराई क्या थी। क्या जैसा कि जिक्र किया गया है उसके बदले हम अनेकों मंदिर और बनवाएंगे, ये तो हम कहने के लिए संतुष्ट हो रहे हैं कि हमको तीन दे दो, लेकिन ये तीन लेने के बाद भी हम कहाँ चुप बैठने वाले हैं। कितना लेने वाले हैं मंदिर? जो हमारा भोजन है उतना तो हम खाएंगे ही। हमारा हिंदुस्तान पहले था, आतंकियों ने कब्जा किया, अपना राज किया और तानाशाही की, हिंदुओं के मठ मंदिरों को तोड़कर उनपे गुम्बज बनाई गई और उनको प्रताड़ित भी किया गया। इतना जो संघर्ष है उसमें हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, ये तो शुरुआत है। मैंने पहले कहा था ये शुरुआत है, अभी मथुरा काशी हमारे बाकी है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि दोनों जगह है न्यायालय में, हम लोगों ने कोर्ट में मुकदमे भी वगैरह डाल रखे हैं, और हाई कोर्ट में भी इसकी पैरवी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। और हम धीरे धीरे करके, अरे भाई हम कुछ दिन के लिए अपने घर को छोड़कर विदेश चले जाते हैं तो उस पर कोई कब्जा कर लेता है तो इसका मतलब उसका मकान नहीं हो जाता, जब हम वापस आएंगे तब हम अपने मकान में जाएंगे। अब हिंदुओं का हिंदुत्व सम्राट होगा, राज होगा, और हम अपने सारे मकान वापस लेंगे, सारे मठ, सारे जितने भी हमारे प्रसिद्ध मंदिर हैं, हम सारे मंदिरों को अपने अंडर में लेंगे। और जितने भी जो मुस्लिम शासकों ने राज्य किया और हमारे मठ मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई, गुम्बज बनाए, उन सबको निस्त नाबूद करके हम राम जी को, कृष्ण जी को, शंकर जी को स्थापित करेंगे। क्या इतिहास दोबारा खुद को दोहराने वाला है, लेकिन जिस तरीके से मुगल शासकों ने कब्जा किया था, इस बार सनातनियों का कब्जा होगा। सनातनी कब्जा होगा ही, और मुगल ये मुसलमान जो है अपने देश में कहीं बाहर से नहीं आया, यह हिंदू है जो किसी वश कारणवश मुसलमान बन गए। और हमको लगता है कि आने वाले समय में ये मुसलमान अपने पुराने घर में मतलब हिंदू हो जाएंगे, और जिस दिन हिंदू हुए यह देश स्वयं हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। एक और निवेदन सरकार से है कि मेरा एक परिवार असदुद्दीन ओवैसी से चल रहा है, जब मैं 19 में फैसला आया तो ओवैसी ने तमाम तरह के बयान दिए कि यह फैसला हम नहीं मानते हैं, राम काल्पनिक है। तो मैंने एक मुकदमा दायर किया था अभी पिछले जनवरी में, 23 जनवरी में, को दो सम्मन गया, वो नहीं आया, वह हाईकोर्ट इलाहाबाद में जाकर के उसने स्टे लिया, मैंने काउंटर कराया। अब वो जो स्टे का जो समय है वो समाप्त हो रहा है जी। और उस पर वारंट की प्रक्रिया शुरू कर दिया है, और कल तारीख है, हो सकता है कल वारंट जारी हो जाए। तो मेरा ये निवेदन है कि अगर राहुल गांधी की सदस्यता गई तो यह असदुद्दीन ओवैसी जो हिंदू देवता देवी देवताओं को अपशब्द कहता है, यह क्यों घूम रहा है, इसको भी जेल के अंदर होना चाहिए। हमको सिद्धार्थनगर में ये मुकदमा चल रहा है, तो पत्रकारों ने पूछा कि क्या यदि वो समझौता करना चाहेगा तो आप समझौता करोगे? हम कि हाँ, यदि वो पुनः हिंदू धर्म में आ जाए मैं समझौता करने को तैयार हूँ। ऐसे को चैलेंज दे रहे हैं? हाँ, दे रहा हूँ एकदम, वो आ जाए, हिंदू धर्म स्वीकार करो, मैं उसे समझौता करने को तैयार हूँ, नहीं तो उसको जेल जाना होगा, उसको सजा होगी, मैं इसमें पीछे नहीं हटूंगा। दूसरी बात, एक सवाल सरकार से करता हूँ,
यह जो मंदिर का बन रहा है आज, इसके पीछे तमाम साधु संतों और कार सेवकों का बलिदान है। उन्होंने इसके लिए सब कुछ सहा है, जान भी गंवाई है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि मुलायम सिंह यादव ने इमरजेंसी के दौरान जो भी जेल में थे उनको उन्होंने लोकतंत्र सेनानी घोषित किया। हमारा मोदी सरकार से कहना है कि जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, चाहे जोशी हो या उमा भारती हो, रिदम्बरा हो या प्रवीण तोगड़िया हो, सबको विशिष्ट अतिथि के रूप में बुला करके सम्मानित करें। और जो जेल में कार सेवक बंद थे या जिन्होंने जान गंवाई, उनके परिवार को सम्मानित किया जाए। जैसे लोकतंत्र सेनानी को सुविधा मिल रही है, वही सुविधा राम राज्य सेनानी को मिलनी चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा कि सनातन का आप लोग जिक्र कर रहे हैं और हम ये जानते हैं कि भारत अनेकता में एकता वाला देश है, गंगा जमुनी तहजीब का देश है, ऐसे में आखिर पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत क्यों है? हिंदू राष्ट्र पूरे देश को बनाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि कभी मुहर्रम के जुलूस पर यहाँ पथराव नहीं होता है, लेकिन रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव हो जाता है, हनुमान जयंती के शोभा यात्रा पर पथराव हो जाता है, और अभी अक्षत बांटने गए थे, वितरण करने के लिए गए थे, वहां भी पथराव हो गए। सनातन धर्म क्या? अयम निजा परो वेतिम गणना लक्षेत समुदार चरितानामा वसुधैव कुटुंबकम। कभी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हुए आपने किसी शांति दूत को देखा? आपने कभी विपक्ष वालों को देखा? यह भारत हिंदू राष्ट्र है और सीधा सा सिद्धांत है, जिन्होंने राम मंदिर बनवाया है वही डंके की चोट पर मैं चैलेंज करके कहता हूं, भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और नहीं बनाएंगे तो बनवा लेंगे। ये संतों का चैलेंज है, अयोध्या की धरती से बनवा लेंगे महाराज। ठीक है, नहीं अगर सनातन और हिंदू राष्ट्र बना भारत, तो हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाना आता है, बनवा लेंगे, बनवा लीजिएगा क्या आप भी हिंदू राष्ट्र भारत को? अरे जब तक सनातन जिंदा है, हिंदू राष्ट्र है और आगे बनेगा, और सनातन को नष्ट करने की कोशिश, आपको एक ही शब्द में बता देता हूँ, जो सनातन ना मिटा हिरण्यकश्यप की ललकार से, जो सनातन ना मिटा रावण की हुंकार से, वो सनातन क्या मिटेगा विधर्मियों के फुनकार से। सनातन है और रहेगा, सनातन को कोई खत्म नहीं कर सकता, सनातन है तो हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। तो आपने देखा राम की पैड़ी में साधु संतों के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि अयोध्या तो अभी झांकी है भाई, काशी मथुरा बाकी है। 22 जनवरी को जब राम लला अपने घर पर विराजमान हो जाएंगे, उसके बाद सभी साधु संत जुट जाएंगे मथुरा और काशी में। और साथ ही साथ एक और बड़ी बात कही गई कि अब वो वक्त आ गया है जब पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनने की जरूरत है, जिसके लिए संकल्प लिया जाएगा। लेकिन सवाल तो जस का तस ही बरकरार है कि अनेकता में एकता वाले देश और गंगा जमुनी तहजीब वाले देश में क्या वाकई सियासत अपना रंग घोलती हुई नजर आ रही है? अब इंतजार रहेगा 22 जनवरी का, जब भगवान राम लला अपने घर पर विराजमान हो जाएंगे, और ये देखना और ज्यादा दिलचस्प होगा कितने भव्य तरीके से 22 तारीख को अयोध्या सजती है, क्योंकि तैयारी अपने अंतिम दौर पर पहुंच चुकी है। अयोध्या से प्राइम टीवी के लिए मुस्कान अजमानी की रिपोर्ट।